من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة سر الله المخزون در الله المكنون بإعلام الله تعالى عالم ما كان وما يكون محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله درود پاک باواز بلند پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين إلهي معاف کر جرم و خطا سرکار دا صدقہ او مکی مدنی احمد مختار دا صدقہ ابو بکر صاحب عمر ہوشیار دا صدقہ او عثمان جامع القرآن حیدر کرار دا
सदका तमामी औलिया अल्लाह दे अनवार दा सदका तू पाली लाज बेकसदी मुहम्मद यार दा सदका तू पाली लाज बेकसदी मुहम्मद यार दा सदका रब शराहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। वाजिबुल एहतराम उलमाए कराम मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात अज दी महफ़िल पाक पुर सराफा कुद्स दी आखरी महफ़िल शरीफ है कुदवतु सालिकीन सिराजुल वासिलीन महबूब इलाही फ़ख्रे ख़ानदान गौसिया हज़रत पीर सैयद ग़ुलाम दस्तगीर शाह साहब कुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ और वाकिफ़े रमूज़े हकीकत पीरे तरीकत रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद ग़ुलाम हबीब शाह साहब कुद्दस सिर्रुहु दे सालाना उर्स पाक दी ये महफ़िल वाल साहब नू विसाल फरमाया 13 साल दा अरसा गुजर गया और मैनू तुहाड़ी खिदमत करन भी 13 साल दा ही अरसा गुजर है। मेरे वाल साहब दे मुतालिक गुज़श्ता रात तो तुसां सुन रहे हो मुख्तलिफ लोगां अपने अपने ख्यालात दा इजहार कीता लेकिन एक गल जिहड़ी मैं अपने ख्याल दे मुताबिक समझदा कि उन्हां अपनी पूरी जिंदगी जिस तरह मैं उन्हां नूं वेख्या तो उन्हां दीआं निजी जाती या बाहर दीआं जितनियां महफिलां होंदियां उन्हां च अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दे जिक्र तो सिवा कुछ भी नहीं और ओ जो मीरास छोड़ के गए वो सिर्फ मोहब्बत रसूल दी मीरास छोड़ के गए उस तो इलावा कुछ भी नहीं सिर्फ यही और शायद उस जिंदगी दे उस मिशन और मकसद के तहत क्योंकि मेरा ईमान है कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल मोहब्बत का रिश्ता उस्तवार करके दे अकीदत और एहतराम दा ताल्लुक जोड़ के दे अल्लाह रब्बुल इज्जत नू उसनू ओ अजमतां बख्शियां ओ रिफातां बख्शियां कि कायनात आलम च ना उसका होर कोई हमसर हो सके और क्यामत तक उसके नां दा डंका वजदा रहे। और उस शख्स का जड़ा मकसद रहा कि सुना सुना के गमे इश्क के फसाने को लगा रहा हूं तेरी राह पे जमाने को वो ऐसा कुट कुट के साडे दिलो दिमाग च भर गए कि असा भी बरमला डंके दी चोट ते आखण वास्ते तैयार हाँ कि दुनिया कहूं तालिब न बहिश्ते अदनी का दीवाना हूं मैं सैयद मक्की मदनी का दुनिया का हूं तालिब न बहिश्ते अदनी का दीवाना हूं मैं सैयद मक्की मदनी का ए खत्म रसूल अपना मुझे इश्क अता कर मैं वास्ता देता हूं वैसे करनी का।
क्यों? इस वास्ते कि ऐ खुशा इश्क खुश सौदाए मां, ऐ दवाए जुमला इल्लत हाए मां, जिसनू इश्क दी बीमारी लग गई है उसनू बाकी सारिया बीमारियां तो शिफा हो गई। और एक ऐसी तकलीफ है जेड़ी बजाहर लोग तकलीफ समझते हैं लेकिन हकीकत ए तमाम रंज और तकलीफ दा इलाज है और दवा है। और जिसनू ए दवा मिल गई है क्यामत तक उसनू किसे होर दरवाजे ते वंजन दी जरूरत ही नहीं। तो दुनिया का हूं तालिब न बहिश्ते अदनी का, दीवाना हूं मैं सैयद मक्की मदनी का, ऐ खत्मे रसूल अपना मुझे इश्क अता कर, मैं वास्ता देता हूं वैसे करनी। और जिन्हां दी पूरी जिंदगी इस तरह होवे कि तेरे आरिज का तसव्वुर तेरे गेसू का ख्याल, याद में तेरी यूं ही सुबह से शाम होती है। और हर घड़ी जिनकी तेरे दर्द के नाम होती है, हर घड़ी जिनकी तेरे दर्द के नाम होती है, हर घड़ी उनकी मुसर्रत का पयाम होती है, तेरे आरज का तसव्वुर तेरे गेसू का ख्याल, याद में तेरी यूं ही सुबह से शाम होती है। और वो ऐसी गल हुई कबूलियत हो गई कि मैं समझना कि मुझ जैसा नाकारा खलायक मुंतखब कर गिदा गया, मैं पीर कम रह गया मौलवी ज्यादा बन गया। और अजीब सूरत हाल कि जिस किसी ने भी बुलाया इसे हवाले नाल बुलाया कि अच्छा सना खान है हुजूर दी अच्छी तारीफ कर गिंदे, चलो इसे हवाले नाल मैं इस गल ते खुश हूं कि किसे बहाने यार दा जिक्र होंदा रहा, वो चाहे निजी महफल हो चाहे को जलसा आम सजा के देखो। और मेरा ईमान इस गल दे कि जेड़ा आदमी कबर इस हाल च वंजे कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कह सो जाऊं, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते सो जाऊं या मुस्तफा कहते कह, ताकि मरना बंदे दा ओ मरना ना होवे बल्कि जिंदगी हो वंजे, ओ मुस्कराना होया कबर च वंजे ते आखण वाले आख रहे मैं नम करना हो मैं तिलू रूस। सो इस वास्ते आराम नाल सो कि तू अज अपने सारी जिंदगी दे आमाल दा बदला गिनना है, ए ओ जगह है जिथे उन्हा पिछले कीतां दा फल मिलना है, चूंकि जिंदगी यार दी रजा च गुजर गई है इस वास्ते मरण तो बाद हुण आराम नाल सम और क्यामत तक तेरे नां दे उर्स और तेरे नां दे डंके वजदे रावण, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। उर्स क्यों? उर्स तो असं इस वास्ते मनाने किसी होर दा भी उर्स मनाया, उसे दा उर्स मनाया जिसने इत्थे जिंदगी गुजारी इस तरह के आवन आला बच्चा आंदा है। उलमा सूफिया बड़े बड़े लोग आख गए, हजरत साधी ने भी आख्या बच्चा आंदा है तो रोंदा होया आंदा है, बच्चा जमदा तो पहले रो रहा होंदा है। ये लोग खुश खलोते होंगे एक दूसरे को मुबारकबादा दे रहे होंगे कि शुक्र है इसके घर पुत्र पैदा होए, लेकिन आवन आला रो रहे होंगे, इन्हों खुशी उसके आवन भी होंगी उसनों गम विछोड़े दा होंगे। सादी याद है फिर इस तरह जिंदगी गुजार कि जिस वेले दुनिया तो रुखसत होवे तो सारी कायनात रो रही होवे तू मुस्करा रहे हो।
اس واسطے تو حضور فرمایا سعد ابن معاذ جس ویلے دنیا تو رخصت ہویا اُدا وصال ہویا حضور فرماندن اللہ دا عرش بھی جڑا ہے وہ ہلن لگ گیا کمب گیا اسنو بھی اس گل تے غم ہویا ملال ہویا اس واسطے کہ اللہ دا ایک مقبول بندہ اس دنیا تو رخصت ہو گیا سمجھ شریف چاندی پئی جانے اور عجیب عالم ہوئے کہ ساری کائنات رو رہی ہوئے تے تو مسکرا رہے ہو اور کیا عجیب سلسلے رہے ہیں ایک تابعی انہوں نے وعدہ کیتا اللہ دے نال کہ جب تک میں اپنا مقام بہشت وچ نہ ویکھنا اس وقت تک میں ہسا نہیں خاموش رہا سا مسکرا سا نہیں جس ویلے وصال ہو گیا پھٹے دے تے غسل واسطے لٹایا گیا پھٹے تے لٹایا ہسنا شروع کر دیتا لوگاں پوچھا ہے معاملہ کے انہاں کہ اللہ دے نال وعدہ اج اپنا مقام ڈٹھی بیٹھا ہے مقام دیکھ کے اپنا انجام دیکھ کے مسکرا رہے تے پھر بندہ دنیا تو رخصت ہوئے تے لوگ رو رہے ہو من ساری کا بلکہ حتیٰ کے حدیث دیاں کتاباں چے موجود ہے کہ انہاں اولیاء اللہ دے واسطے تمام کائنات دیاں چیزاں دعا کرن دیاں یا اللہ انہاں نوں سلامت رکھ فرشتے پرندے ملائکہ زمین دیاں چیزاں ہر شے دعا کرن دی انہاں نوں کیڑا فائدہ ہے وہ فرشتوں کو کی فائدہ ہے اللہ دا بندہ موجود رہے اگر دنیا تے فرشتوں کو فائدہ ہے انہاں نوں بھی ایک فائدہ ہے انہاں نوں پتہ ہے اللہ دا وعدہ ہے جب تک میرا کوئی ایک یار بھی موجود رہا تے اللہ اللہ ہوندا رہا میں قیامت نہیں آنی اس واسطے دعا کرن یا اللہ انہاں نوں سلامت رکھ اس واسطے کہ انہاں دے دم قدم دے نال میں خانہ آباد رکھ از صد سخنے پیرم یک نقطہ مرا یاد آس عالم نشود ویران تا میں قد آباد آس میں نو اپنے شیخ دے سو لفظاں دے وچوں ایک لفظ یاد رہے ہے کیڑا انہاں فرمایا جب تک اے میں خانہ محبت سلامت ہے اس وقت تک دنیا برباد نہیں ہونی آباد ہی ٹکی اس واسطے عرس صرف انہاں لوگاں دے نہیں منائے بندے جڑے بس بزرگاں اور اللہ اللہ کر کے ٹر گئے نہ جنہ زندگی گزاری محمد محمد کو کہنے گزر گئے لباں دے بنے رے سجنے گزر گئے میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ما محمد محمد پکنے گزر گئے اس کی زندگی قابل رشک ہو گئی اس واسطے کو قبر اچ گیا تو پہلا سوال ہی ایسا ہویا مسلم شریف دی روایت دے مطابق اکا ہی سوال کیتا بند ہے کہ ما تقول فی حق کے حاضر رجل تو اس بندے دے متعلق کیا آدھار ہیں دنیا دے وچ ہن جواب دے جو آکھے جی میں تو ساری زندگی سنو اپنا محبوب سمجھی رکھا میں تو ساری زندگی دے نال محبت کرن نہ رہا اور محبت دی بھی ایک کیفیت رہی ہے کہ میں برملا آدم کے جی کردا سونیا ہر ویلے تینو کول بٹھا کے تکدا رواں جی کردا سونیا ہر ویلے تینو کول بٹھا کے تکدا رواں او جی کردا سونیا ہر ویلے تینو کول بٹھا کے تکدا رواں سارا جسم میرا اکھ ہو جاوے محتاج نہ میں اس اکھ دا رواں سارا جسم میرا اکھ ہو جاوے محتاج نہ میں اس اکھ دا رواں قبر جان لیا تو کس حال چاہے کس کیفیت چاہے تے جو اٹھ کے بوے تے آکھے میں تے آدھر آئی یا صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر وچ قبر تے پل تھی ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں وچ قبر تے پل تھی ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن
तद खरियां। जिहड़ा इस हाल च गया उहदी अजीब कैफियत हो गई, उहदी कबर मुनव्वर हो गई, क्यामत तक उहदे दरबार ते आवण वाला कदी खाली वापस नहीं गया। बल्कि हाल है तू बाल बाबिन कबैतिल अतीक हवाले है मिन कुल्ले फजन अमीक। तेरी चौखट दी अजमता वेख के मनु काबे दी अजमता याद आनिया ने। हवाले मिन कुल्ले फजन अमीक। लोग दूर दराज तो मुश्किल रस्ते तय कर करके इथे इस वास्ते दरवाजे ते आने ने के मरमरी ताबनाक दीवारे गमजदों को करार देती है। इन पे ताजीम से निगाहें डाल ये मुकद्दर सवार देती है। ताजीम से निगाहें डाल इन पे ताजीम से निगाहें डाल ये मुकद्दर सवार देती है। अल्लाह फरमाए वो मैं युअज़्ज़िम शायर अल्लाह फइन्नहा मिन तक्वल कुलूब। जिहड़ा अल्लाह दियां निशानियां दी ताजीम करे अल्लाह उन्होंने कुलूब दा तकवा अता करदा है। अल्लाह दियां निशानियां केड़ियां ने मौलाना कोल पुछो। पहाड़ अल्लाह दी निशानी, शजरात अल्लाह दियां निशानियां, आसमाना दा सारा निजाम अल्लाह दी निशानी। क्यों भाई? हर शै उसे दी बनाई हुई है। निशानी ओ होंदी है जिहदी निस्बत होवे किसे दे नाल। असा सांभ के रखियां होया ने अजे प्रेम निशानियां सजना दिया कुछ होके ने कुछ हामाने तेरी याद च पल पल निकलन सा। क्या अजीब गल है कि किसी दे नाल निस्बत जिस वेले उस जगह दे नाल निस्बत दे जगह याद आती है। ठीक है या नहीं? किसे कपड़े नाल निस्बत तो कपड़ा याद आंदा है। हत्ता के अजीब आलम आंदा है जे कपड़ा टुरे किसे होर मुल्क चो ते इत्थे बैठा आखे इन्नी लाज दरी हा यूसुफ। भावे वो किसे होर मुल्क चो टुरिया पर मैनू यार दी खुशबू आ रही है। यार दी खुशबू आ रही है, यूसुफ अलैहिस्सलाम दी खुशबू आ रही है। मालूम होंदा जदो मुहब्बत शिद्दत इख्तियार करे मशामे जान च मुल्कां दे मीलां दे फासले मिट वंदे ने ओ खुशबूआं महसूस होण लग पैंदे। जदो किण मिण हुंदी है सिक दूणे भांबड़ पाल लैंदी तू फेर न पुछया हाल मेरा कहीं आए ते लंग गए सावन तू फेर न पुछया हाल मेरा हमने क्या क्या न तेरे हिजर में महबूब किया सबरे अयूब किया गिरियाए याकूब किया जदो किण मिण हुंदी ए सिक दूणे भांबड़ बाल लैंदी। जे तुसा नहीं पढ़ना तो मैं बहुत देर कर दे सां, जे पढ़ी वञो तो मैं चलदा वसां। जदो किण मिण हुंदी ए सिक दूणे भांबड़ बाल
जान लैंदी तू फिर ना पुछिया हाल मेरा कि आए ते लग गए सावन। इस वास्ते जिस वेले दर्द दा आलम होवे शिद्दत होवे उस वेले बावे ओ मिस्र च होवे ओ शाम च होवे पर फासले मिट गए खुशबू आवन लगियां। मैं अर्जे कर रहा हूं हर शह अल्लाह की निशानी है वो हर शह कितनी कायनात दे अंदर है ये सब दिया सब अल्लाह दी निशानियां ने फिर ये तख्सीस क्यों है। ममई अज़िम शायर अल्लाह है फइन्ना मिन तक्वल कुलूब हर शह तेरी निशानी है फिर शायर अल्लाह दा मतलब क्या तख्सीस है ना खास गल कौन केड़ियां ऐसियां निशानियां हैं जिन्हां नाल तेरा को वखरा ताल्लुक बने। इन सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह सफा और मरवा ये अल्लाह दी निशानियां हैं। मैनू अज तक समझ नहीं आई इन्हां मौलवियां संत आखा कि जनाब ये पत्थर परस्त कबर परस्त कबर की पूजा करन हालांकि साढ़े को पुछा नहीं ना असा कबर के मुतलिक की अकीदा रखने पत्थर के मुतलिक की अकीदा रख लेकिन हजरत एडी लंबी दाड़ी हो सारी उम्र तौहीद का दर्श दे दे के गया हो उत्थे सारा दिन काबे के पत्थर में चमड़ा खलोता हो कभी उस भी ख्याल किया है कि जिस पत्थर नू मैं चुम रहा क्या यह पत्थर खुदा है या गैर खुदा है। हाँ साढ़े नाल गल करो तुसा तुहाड़े ज़हन च कदी ये ख्याल आया भावे वह कितों आया पत्थर होवे उदी अजमत नाल सानूं जिक्र करन दी जरूरत नहीं हर कोई जानदा है उदी अजमत के लेकिन सिर्फ सवाल इतना है क्या पत्थर खुदा है या गैर खुदा है। जे वो गैर खुदा है एक नक्शे तखयल एक नक्शे तखयल पसे दीवार हरम है पूजो तो खुदा हाथ लगाओ तो सनम है। यो मौलाना बैठे ने जिस वेले काबे दी तामीर हो रही है तो हजरत इब्राहिम अलैह सलाम एक पत्थर दोते खलो के पत्थर नाल काबा बनाया किदे नाल पत्थर नाल ते ज्यों ज्यों काबे दी दीवार उची होंदी गई है ते पत्थर भी उच्चा थींदा गया नाल। और मैं अदा अज तक पत्थर च फितरत नहीं बदली वो सख्त होंगे लेकिन किसी महबूब का कदम आए वो भी नरम होगा। अजीब गल है जितनी बुलंदी चाहते उथे बुलंद होता वा तो हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने जाने कहां कहां कदम रखे मेरे हुजूर ने सजदे किए हैं जा बजा ना का यार देख कर कितने पत्थर ते आप कदम रखे लेकिन किसे पत्थर ने आप दा नक्श कदम संभाल के नहीं रखा लेकिन जिस पत्थर ते खलो के फरमान रब्बना वस्फीहिम रसूला ओ पत्थर ऐसा नरम होया उसे कह जे तू महबूब दी गल करन दे मैं भी तेरा नक्श कदम क्यामत तक संभाल के रखा। हाँ माना के वो नाजुक हैं वो नाजों के पले हैं हम क्यों ना जलाएं उन्हें हम भी तो जले हैं। तुसा बड़िया इलमी गल्लां करांदे पता है तुहाड़े इलम दियां गल्लां दा लेकिन आओ इत्थे गल करो कि ओ पत्थर क्यों हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा नक्शे कदम संभाल के रखांदा पे इस वास्ते कि उस ते दुआ कीती गई है या अल्लाह काबा मैं बनाई बैठा वसावण वाला तू भेज भाई मकान खाली खुली तो नहीं वसते ना मकान वसते ने मकीना नाल मकान किद नाल वसते ने भाई मकीना नाल वसते ने देखो ना ये बेआब हो गया जंगल है और इत्थे रामणा मुजाहद है 48 घंटे बिजली बंद रहती है पानी नहीं लभदा लेकिन उसके बावजूद मकीन ऐसा है उसने आके मकान की कैफियत नु बदल दिता मकान की हैसियत नु बदल दिता है हुण मकान नाल रब्त नहीं रहा मकीन नाल रब्त तो फिर आखण वाले हर जर्रा आफताब है वर्षा शरीफ का
खिता बोला जवाब है वर्षा शरीफ का, साजिद करूं हिसाब भी तो क्या करूं हिसाब, फैजान बेहिसाब है वर्षा शरीफ का। हालांकि वर्षा शरीफ का कोई फैजान नहीं है, ये फैजान सिर्फ उस मकीन का फैजान है जिसने इस मकान को अजमतें बख्शी। समझ शरीफ को गल आंदी पई या नहीं आंदी पई? इस वास्ते पत्थर पत्थर ही है काबे दियां दीवारां च, और ओ हजरे अस्वद भी एक पत्थर ही है, लेकिन मुल्ला अगर चमड़ा रवे उन्हां पत्थरां नूं तो शिरक लाजम नहीं आंदा। इन्हां पत्थरां वास्ते उन्हूं रौला पिया, लेकिन असा सवाल करने कि चलो काबे नूं तो बड़ी अजमत हासिल है, इनको बैतुल्लाह इस सफा और मरवा नूं किवें अजमत हासिल हो गई? तारीख आलम गवाह है कि सफा दे उत्ते भी एक बुत पिया, मरवा दे उत्ते भी उत्ते बुत पिए, ओ वंज के ज़िबा करन वन जानवर, ठीक है ना? लात ते उज़ा वास्ते बुत उदे बकरे पे ज़िबा थी ने, ते जिस वेले वारी आ गई अल्लाह दे, अल्लाह फरमाए इन सफा वल मरवा ता मिन शाइरिल्लाह, या अल्लाह इन पहाड़ियों को बखरा तरीका कट गया, पहाड़ियां साड़ियां भी असा बुत भी कोई नहीं रखे हुए, लेकिन ये क्यों ना हो अल्लाह दी निशानियां, समझो गल, गल समझते पाओ ना, तो आंदे हो कुछ समझ के गए करो। मेरा अजकल एक मिशन है कि मैं दिफा कर रहा अपने एतकादात का, ठीक है ना? इस वास्ते कि इस पुरफितन दौर के अंदर हूँ इस तो सिवा होर कोई चारा नहीं रहा, और सन अगले ताने मेड़े देंदे ने पिछले दिन जिथे फसाद बना रहे, वो एक बंदा आण के जो शादी का मौका है सुबह उठ के जनाब दर्स दे रहे जी, मार का दिन नबी नु हर शायद पता है, पर नबी लिहाजा ओ जुन्नूर रहने हो गया। मैं क्या अजीब गल है, बेटियां नूर ते प्यो बशर, अजीब गल है ना, ये क्या फलसफा है जरा समझ तो बाहर है कि बेटियां नूर हो गई ते बाप बशर रह गए, बशरी चो नूर कि पैदा हो, बशरी चो तो बशर पैदा होना चाहिए, समझ आई जाने? नूर क्यों पैदा होया? इस वास्ते के तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, ओ तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, ओ तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना घराना नूर का, तू है ऐने सब घरा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर।
नूर का तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मालूम ये हुआ कि सारा घराना नूर है ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐने नूर ने, लेकिन जुल्नूरैन मनाया वने, यौमे फारूक आजम मनाया वने, लेकिन यौमे हैदर करार ना मनाया वने। तो फिर मालूम है ना इल्म नाल राबता, ना शहर नाल राबता, ना मुस्तफा नाल राबता। इस वास्ते उसनू इल्म नहीं आ सकता जिसका हजरत अली दे नाल ताल्लुक हो, ठीक है ना। तो फरमाया के इरशाद फरमाया ने कि जनाब हर शह लिखी लिखाई आ गई है, इत्थे आके कुछ करन दी लोड़ है। इंजे वदन औलिया अल्लाह कोल फिर दे अंबिया को। मैं कह ठीक है जे लिखा लिखाया आया तो तू भी सबर करके खावे आ, तू मसीता क्यों लबा, तू मदरसा वास्ते चंदे इकट्ठे क्यों करन, तुसा क्यों स्टोर खोलन दे, तुसा क्यों दुकाना बनन दे। मालूम है ना लिखे लिखाए दा पता नहीं, इत्थे आके असबाब तलाश करने जरूरी। आओ जेड़े बेबस आखणा लो महबूब दे वस दी गल भी सुन के, असा यबा सा रब्बो का मकाम महमूदा अन करीब महबूब वक्त बना ले असा तुहानू मकाम महमूद अता कर सकता। मौलाना बैठे अल्लाह असा फरमावे तो पक्की गल, छड़ा तमा या उम्मीद नहीं होती भाई जेड़ी पूरी ना हो। अल्लाह जिसनों उम्मीद दिवावे वो पक्की उम्मीद होती। नहीं 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 जनाब, बुखारी ऐसा उठा के लिखा नहीं। हुजूर फरमाया वल्लाह मा अदरी माना रसूलुल्लाह मा युफालु बी, मैं अल्लाह दा रसूल हां मैनू फिर भी नहीं पता मेरे नाल के होवणा है, ठीक है ना। हदीस है जना, वो बादशाह हदीस समझी नहीं। हुजूर फरमाया मेरा इलम तो तेरा इलम बराबर नहीं, दराए तमाना अटकल नाल सीखना, क्यास नाल सीखना, जन नाल सीखना। ओ मैं ओ हां जिहड़ा अल्लाह दा रसूल आ, पक्के ते लत रखी हुई है, मेरा हर इलम कतई इलम है। बाकी तू आ पता कोई नहीं, ते मिंबर पे खड़ो के फिर आ जाए अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्नत। एक और दिखा गया कि हसन और हुसैन जन्नत दे जवाना दे सरदार। हां जी फिर वारी आ गई, ये तो खास गल है जी, मखसूस लोगों के मुतलिक, वैशरा मुबशरा मखसूस लोग, हसन हुसैन मखसूस लोग। चलो असा उमूम की गल भी चकरेंगे। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस, हुजूर फरमाया मन काल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नत। वो एक दो त्रै नहीं, मनु सारे गुलामों का पता है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का सारा बेइज्जती। समझ रही पे गल कोई आंधी पई है, इस वास्ते हुजूर मेंबर विच आया आना सैयदु वल्दियात आना सैयदु बुलते आदम। हुजूर हालांकि फरमाने मा अरफना का हक्का मारफते का, मैं या अल्लाह तेरी उतनी मारफत हासिल ना कर सका जिवें मारफत हासिल करने का हक है। फखर कदी नहीं किया, इज्ज इनकिसारी, लेकिन इत्थे आके क्यों फरमाया कि आना सैयदु बुलते आदम। नाल चफर मैं वाला फखरा, मैं फखर भी ना करा। गल ये अम्मा बेनेमत रब्बे का फादिस दे तहत साहबी का झगड़ा होया ईसाई दे नाल, वो आखे मेरा नबी ज्यादा अफजल है क्योंकि तुहाडा कुरान भी उहदी शाना बयान करन दे पे, वो आखे मेरा नबी अफजल है। झगड़े शुरू हो गया, रौला वध गया तो गुलाम रसूल आई उसका दूसरी रंग फड़की। आखिया तू मेरे महबूब की शान गुस्ताखी करे दे मार साढ़े चार आड़ थप्पड़ रसीद की। वो दौड़दा होया रसूल अल्लाह की बारगाह च आ गया, पता ही बेकसा का कस है
बेसहारियां दा सहारा है, अपने परायां दी तकसीर मिटा के सारियां नूं नवाजण वाला। सोहणिया तू करीम, तू रहमतल लिलआलमीन, ते तेरा गुलाम मैनू मारे ये क्या आफर मैं गल के जनाब ये गल ये आदा मेरा नबी अफजल है, मैं आदा मेरा नबी अफजल ठीक है ना। ये तो हूं साजगार कर रहे ना फिदा कि सारा नबी कुछ नहीं जानता, अपने आखिर तो भी वाकिफ नहीं, तो उड़े हाल है। मैं उन्होंने आख्या, मैं या तो कुरान चो आता कढ़ो या फिर सारी दुनिया ने आखो ईसाई हो वजो, मुसलमान रावण की जरूरत नहीं, वो तुहाडा नबी तो कुछ नहीं जानता। तो ईसा अलैहि सलाम बरमला आखन जरा जखीरा कर गया सो भी दसा। तेने आखो सारा ईसाई हो, इस्लाम वास्ते केड़ी फिदा बना रहे हो, फिदा तो तुसा खिलाफ बना रहे हो, तुसा तो सारे नबी कुछ नहीं जानता। मनो आखो ईसा अलैहि सलाम भी जना सी सारे नबी का गुलाम बन के आसी, और जेड़ा आधा बैठा इंजील बर नबास कि मैं उदिया जुतियां दे तस्मे बंधन की अहलियत रखा क्यामत आले दिन, इससे भी नाज करे। ये असल मुहम्मदिया बयान करना चाहिए ठीक है या नहीं, समझ आती पी या नहीं। इस वास्ते आ फरमाया कि इन क्यों कीता तू, क्यों मारा इसने, ये जहम फजीलत दी गल है, मर्तबे दी गल है, यार दी गल है, महबूब दी गल है। ते महबूब दी गल मैं इंतनम कर सकता कि मैं घटदी करे तू साली मोहब्बत तरह इन मैं गिला भी कर के दसोण भी किता दवाता करे मोहब्बत भी कायम साबी आई ना, मुरीद तो नहीं ना, छड़ा मुरीद नहीं, छड़ा मुरीद आजकल अल तखैर अल्लाह खुश रखे मुरीद ने मरीद ने ठीक है ना, मुरीद ओहे मुहिब ओहे के जड़ा यार दा ऐब ना देखे ना सुने, वो जड़ा भी यार नहीं निगाह करे उसनू यार बेऐब ही नजर आवे, बल्कि एक रोज तुझे अकल ने चाहा था भुलाना, सौ बार जुनू ने तेरी तस्वीर दिखा दी। इसनू भुलावना चंद ख्याल कर, खुदा का खौफ कर, तेरा महबूब ऐसा तो फिर कोई ना, हम जिस पे मर रहे हैं वो है बात ही कुछ और। आलम में तुझसे लाख सही तू मगर कहां, हम जिस पे मर रहे हैं वो है बात ही कुछ और। आलम में तुझसे लाख सही तू मगर कहां, तेरे जा लबदा जनी इस वास्ते मैं क्यों किसे हो रहा रबता रहा। वो समझ आंदी पई है ने, इस वास्ते हुजूर फरमा ला तफद्दलूनी अला यूनस इब्ने मत्ता, ओ अल्लाह दे बंदे हो मैनू यूनस इब्ने मत्ता दे उत्ते भी फजीलता ना दितियां करो, ईसा अलैहि सलाम पे फिर भी बहुत बड़ी शान आलाई, मैनू यूनस इब्ने मत्ता ते भी फजीलता ना दितियां। अजे एक गल है ते जबरील आ गया, वअम्मा बिनिमत रब्बिक फहद्दिस, सोणिया जिहड़ी अजमत होवन उन्हां दा ते ऐलान करना चाहिए। इस वास्ते अजमत जड़िया हिन बया फिर आ फरमाया ठीक है ना सैयद उल्द आदम, मैं सारी औलाद आदम का सरदार हाँ, अंबिया आखरत मेरे दरवाजे ते खलोते हो सन, मेरे तो सवा किसी को चारा ही कोई ना हो सी, और मेरे हाथ च अल्लाह लिवाए हमद देसी, हमद आला झंडा देसी, और मैं सारे की शफात कर रहा नाले असा अंबा सक रबू का मकाम महमूदा, अन करीब सोनिया मैं तेनू मकामे महमूद अता कर दे सा, अल्लाह दा वादा है मैं मकामे महमूद अता कर दे सा, इदा मतलब होया क्यामत तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू यकीन हो गया ही अल्लाह जिस मर्तबे की गल कर रहे हो मैनू क्यामत जरूर अता करे सी। असा का रब का मकाम महमूदा, अन करीब सोनिया मैं मकामे महमूद अता कर दसा। मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला फरमाने ने कि मैं एक दिन बयान कर रहा हूं, एक खारजिया का गरोह आई
जिदा लीडर जिदा नाल संगी यजीद फकीर आई वह भी खारजिया दियां गल्लां सुन सुन के उसे अकीदे दा हो गया आई शफात दा मुनकर हो गया आई ते नाल दौरे कर करके तबलीगां करन दा आई तो ऐसा बसरत तो निकलिया इस गरज नाल कि असा मक्के शरीफ हज करके ते फिर अपनी तबलीग वास्ते निकल पुसा। लेकिन जिस वेले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मदीने दे कोलों गुजरिया ते ख्याल आया इत्थे इक मस्जिद है जिस 50,000 नमाज दा सवाब मिलदा है। नमाज एक होंदी है सवाब 50,000 होंदा है। गिनती नहीं वधी तादाद नहीं वधी लेकिन फजाइल दे एतबार नाल सवाब दी हद वध गई है। मालूम है भावे एक अदा की आम जगह ते एक अदा की तो उस कोई इजाफा नहीं होया ते जे खास जगह ते अदा कर दी तो उस इजाफा हो गया।